तो वीवीए मैक्रो प्रोग्रामिंग में हम रिकॉर्डिंग मैक्रो डिस्कस कर रहे थे। तो रिकॉर्डिंग मैक्रो जो जैसे मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया, तभी भी एक्सप्लेन कर रहे हैं कि रिकॉर्डिंग मैक्रो काम होता है आपके जो माउस इवेंट है उसको कोड में कन्वर्ट करना। आपके जो माउस इवेंट है उसको कोड में कन्वर्ट करना। जैसे मैं मैक्रो यहां से भी स्टार्ट कर सकता हूं। आपने मैक्रो स्टार्ट कर दिया, अगर मान लीजिए मैंने एक एरिया को सिलेक्ट कर लिया या इस एरिया को सिलेक्ट करके मान लीजिए इस पे कलर दे दिया, तो एरिया को सिलेक्ट करके कलर देने का कोड जनरेट हो गया। आप डेवलपर में जाते हैं या माइक्रो व्यूज में व्यू में जाते हैं, माइक्रो लिस्ट में आपको यहाँ एडिट पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे इसका कोड बन के आया। ठीक है, अब इसमें दो क्वेश्चन आती है। पहली क्वेश्चन ये आती है कि कोड इतना ज्यादा क्यों होता है। जब हम खुद प्रोग्रामिंग करते हैं तो कोड कम होता है, लेकिन जब रिकॉर्डिंग मैक्रो करते हैं तो कोड ज्यादा होता है। तो कोड ज्यादा होने के पीछे रीजन ये होता है क्योंकि ये ऑफिशियल लैंग्वेज को फॉलो करता है। जैसे मान लीजिए आपको बॉस से अगर लीव लेना है, तो आपको अगर वर्बली बोलना है तो जस्ट जाके बोल दोगे कि बॉस मुझे कल लीव चाहिए। लेकिन इसी चीज को आपको एप्लीकेशन में देना है तो एक एक प्लेटफॉर्म को फॉलो करना पड़ेगा, एक स्टेप को नरेशन को फॉलो करना पड़ेगा, जैसे टू द मैनेजर, यस डियर सर वगैरह वगैरह। सेम थिंग यहाँ होता है। तो माइक्रो रिकॉर्डिंग जो है आपका किसको फॉलो करता है? फॉलो करता है आपके प्रोसेस ऑफिशियल लैंग्वेज। प्रोसेस ऑफिशियल लैंग्वेज ठीक है, इसलिए अगर आपने एक मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे किया है तो पूरा इसके जो होते हैं फॉर्मेट सेल के अंदर जो ये फिल होता है, ये फुल की हर एक ऑप्शन को ट्रिगर करता है। तो जो आप चूज करते हो उसका वो डिटेल डालता है, जो चूज नहीं करते उसको डिफॉल्ट छोड़ देता है। जैसे फॉल्स छोड़ दिया तो डिफॉल्ट हो डिफॉल्ट छोड़ देता है। यस अब क्वेश्चन इसमें आता है कि इसका बेनिफिट क्या है। देखिए, इसका बेनिफिट दो तरह से होता है। अगर आप लर्निंग पीरियड में हैं तो इसको एज ए डिक्शनरी यूज कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको कॉपी करने कोड नहीं पता है, पेस्ट स्प्रे करने कोड नहीं है, पिवट का कोड पता नहीं है, फिल्टर का कोड पता नहीं है, तो आप रिकॉर्डिंग करके अप्लाई करके उनके कोड को देख सकते हैं। कभी स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है, कभी कोड भूल रहे हैं, तो वहां पे आपको सपोर्ट करता है। अब क्वेश्चन आता है, क्या हम सीख जाएंगे तो क्या इसकी जरूरत नहीं है? उसके बाद भी इसकी जरूरत पड़ती है कोडिंग से बचने के लिए। तो चलिए वही एक एग्जाम्पल हम आपको देने वाले हैं कि हम आफ्टर दे लर्निंग किस तरह से इसका हेल्प करके हम कोडिंग से बच सकते हैं। तो बेसिकली हमारे पास एक डेटा है जो कि आप देख रहे हैं। तो मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि एक डंप डेटा है, मुझे मेल करनी पड़ती है। जैसे मान लीजिए कि अगर पूजा ने कॉल किया तो पूजा के डेटा भेज देना है, फिर नीतू ने कॉल किया तो नीतू के डेटा को भेज देना है, मोहन ने कॉल किया तो मोहन का डेटा भेज देना है। तो मैं एक ऐसा मैक्रो बनाना चाहता हूं कि जब मैं रन करूं तो मुझसे पूछे नाम, जो नाम दू उससे डेटा को सिलेक्ट करके एक नई फाइल में पेस्ट करके उस नाम से सेव कर दे एक लोकेशन। तो सबसे पहले आपको देखिए, जब भी आप मैक्रो यूज कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए क्या रिक्वायरमेंट, कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, समझ गए? तो यस सर रिक्वायरमेंट समझ में आ गया आपको? हाँ सर अब मैंने पर्टिकुलर क्या किया, फाइल जो का एक डेवलपर फोल्डर में बन गया, गया जी सर हाँ डेवलपर में गया, रिकॉर्ड किया। देखिए, रिकॉर्डिंग करने के लिए कुछ नियम है, इसलिए मैं रिकॉर्डिंग बता रहा हूं। रिकॉर्डिंग हमने शुरू कर दी, अब मैं एक्स्ट्रा माउस मूविंग क्लिकिंग वगैरह नहीं करूंगा। तो मैंने A1 पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद इसमें अप्लाई किया फिल्टर। ठीक है, फिल्टर अप्लाई करने के बाद नेम पे गया, नेम पे जाने के बाद हमने अमर को सिलेक्ट किया, ये अमर का डेटा आ गया। अब देखिए, कभी भी माउस से डेटा को सिलेक्ट मत कीजिए रिकॉर्डिंग मैक्रो में, क्योंकि माउस से सिलेक्ट करेंगे तो फिर एक एरिया आ जाएगा कि A1 से L15, 20 या 200, वो डायनेमिक नहीं होगा। तो डायनेमिक करने के लिए मैंने ए पे कर्सर रखा, अपने कीबोर्ड का कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो डाउन एरो लिया। इससे क्या हुआ कि डेटा जितना था वहां तक पहुंच के ए डायनेमिक सिलेक्शन हो गया। अब मैंने फिल्टर इस्तेमाल किया है तो फिल्टर इस्तेमाल करने पे जरे कॉपी ना करे,
क्योंकि इससे हो सकता है पीछे का डेटा भी कॉपी होके आ सकता है। तो यहां पे क्या करेंगे, यहां पे हम जाएंगे फाइंड एंड सेलेक्ट के गो टू स्पेशल में। गो टू स्पेशल में यहां हमारे सामने होता है विजुअल सेल्स ओनली, जो विजुअल है ना सिर्फ उसी को शो करेगा, बाकी डेटा शो नहीं, बाकी डेटा को सिलेक्ट नहीं करेगा। देन हम इसको कॉपी कर रहे हैं और कॉपी करने अब मेरे पास ऑलरेडी दो सीट है, फिर भी इन दोनों सीट पे नहीं जाऊंगा मैं, क्योंकि अगर सीट टू पे चला गया तो सीट टू पे जाने का कोड बन जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इन फ्यूचर में कभी भी मैं इस मैक्रो को रन करूंगा तो क्या होगा, सीट टू का भी रिफ्लेक्ट डेटा उसमें आ जाएगा। जी हाँ, तो वो सीट होना चाहिए, अगर वो नहीं है तो फिर नहीं वर्क करेगा। ठीक है जी सर। समझे? यस सर। जिस पेज में उसी पेज में हम लोग को रहने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अगर डिफरेंट सीट में जाएंगे तो उसका डिफरेंट सीट में जा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे ऐसा नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे ऐसा नहीं कर रहा हूँ। समझे? इसके पीछे रीजन ये है, इसके पीछे रीजन ये है कि अगर मैंने यहाँ पे ग्रेटर देन लगा दिया तो क्या होगा पता है आपको, सॉरी यहाँ पे मैं अगर सीट टू पे चला गया तो एवरी टाइम सीट टू को मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा। समझे? मतलब कि आपको माइक्रो रन करने से पहले सीट टू रखना ही पड़ेगा, अगर नहीं होगा तो एरर देगा। ये बाउंडेशन हो गई ना कि सीट टू नहीं होगा तो दिक्कत होगा, इसलिए हम यहाँ पे एक नई सीट ऐड करेंगे ताकि हमें एक नई सीट ऐड करने का कोड जनरेट कर ले, सीट हो ना हो एक नई सीट एडजस्ट कर लेगा। फिर इसमें मैंने पेस्ट किया, अब पेस्ट करने के बाद इसका नाम मैंने रखा अमर। उसके बाद सीट के ऊपर राइट क्लिक करके मैं गया मूव एंड कॉपी, मूव कर लीजिए, क्रिएट कॉपी करने की जरूरत नहीं है, न्यू बुक एंड ओके। इस वर्कबुक को नया फाइल में दे दिया, फिर इसको हम यहाँ पे सेव करते हैं एक लोकेशन में, जैसे कि मैंने सेव कर लिया आपको ई ड्राइव के 28 में, इसका नाम मैंने दे दिया अमर और यहाँ एक्सेलस को एक्सेल वर्कबुक कर दिया। ओके, देन सेव और फिर हम फाइल को क्लोज कर देते हैं, डेटा पे जाते हैं और इस यहां से फिल्टर हटा देते हैं। अभी हमारा हो गया, स्टॉप कीजिए माइक्रो। अब इसकी कोड को चलिए हम देखते हैं, इसको हम कोड को देखते हैं। तो हम जाएंगे डेवलपर के माइक्रोज के अंदर, क्योंकि अभी रन होने पे वर्क नहीं करेगा। क्यों नहीं वर्क करेगा समझिए, अब आप जो है ना एक समझते जाइए, इसे मैंने किया है ना, कोड को समझते जाइए। मैं एक मिनट इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, दोनों स्क्रीन इकट्ठा कर देता हूँ ताकि आपको दिखेगा अच्छा से। तो मैंने पहले A1 को सिलेक्ट किया, मैं कर्सर A1 पे गया, फिर हमने फिल्टर अप्लाई किया, फिर C1 पे क्लिक किया, फिल्टर लगाया। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, क्योंकि तो हम कंट्रोल शिफ्ट L से फिल्टर ऑटो फिल्टर से अप्लाई भी करते हैं और डिसअप्लाई भी करते हैं ना सर। हाँ, तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ गया कि इसने यहाँ भी फिल्टर लगाया और यहाँ भी फिल्टर लगाया। इस फिल्टर के साथ क्राइटेरिया है, ये नॉर्मल फिल्टर है, तो इस नॉर्मल फिल्टर को यहाँ से हम हटा देते हैं। समझ गए? C1 सिलेक्ट जरूरी नहीं है, हम इसको हटा दिए। ठीक है, हटा दिया सर जी। सर अब यहाँ पे फिल्टर अप्लाई हो गया अमर के नाम से, और फिर वापस इसने A1 पे क्लिक किया है, लेकिन A1 पे ऊपर भी क्लिक किया है, A1 पे क्लिक करने के बाद हम कहीं गए नहीं है, A1 की जरूरत नहीं है, रिपीटेड है, इसको डिलीट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे फिल्टर में देखिए एक्सेल सीट रेंज और फिल्टर में A1 से A802, मतलब कि आपका जो डेटा है ना वो 802 तक है। अब ये तो बाउंडेशन हो गई ना, कल के डेटा बढ़ा घटा तो,
लेकिन आपने गौर किया होगा कि फिल्टर लगाते समय मैंने डेटा सिलेक्ट नहीं किया था, वो ऑटोमेटिकली डेटा रेंज ले लिया था। मतलब कि मैं अगर A1 पे फिल्टर लगाऊं तो पूरा का पूरा डेटा ले लेगा, ठीक है, समझे कि नहीं सर? सर ये थोड़ा सा दिखाते रेंज आपने जो बताया। नहीं देखिए क्या हुआ कि हमने जो फिल्टर लगाया ना सर, तो इसने ऑटोमेटिकली डेटा ले लिया A1 से A02, लेकिन हमने डेटा सिलेक्ट करके फिल्टर तो नहीं लगाया था ना। नहीं नहीं तो उसने सिस्टम ने अपने आप रिकॉग्नाइज कर लिया ना। तो यहाँ भी अगर हम A1 लगा के फिल्टर करें तो जो फिल्टर अप्लाई होगा सिस्टम ऑटोमेटिकली रिकॉग्नाइज कर लेगा, वो कंट्रोल A को लेके चलेगा करंट रीजन को और अपने आप रेंज को ले लेगा, जिससे क्या होगा कि रेंज घटेगा तो कम जाएगा, बढ़ेगा तो बढ़ जाएगा आपका सिलेक्शन, समझे? यस सर। है समझ में? अब मैंने सिलेक्शन किया था यहाँ पे इस तरह से कंट्रोल के साथ, राउंड गया, डाउन गया, गया था ना, तो ये दो लाइन उसके है, दिख रहा होगा, एंड सिलेक्शन कॉमा सिलेक्शन डॉट एंड एक्सेल टू राइट एंड डाउन, ओके? यस सर। उसके बाद मैंने यहाँ पे किया था सेल्स टाइप विजिबल, मतलब कि हमने कंट्रोल इसमें गए थे ना कंट्रोल जी करके या फिर स्पेशल में गए थे, विजुअल सेल्स ओनली सिलेक्ट किए थे हमने, यस सर। तो उसका कोड ये है और फिर उसको सिलेक्ट करके कॉपी कर लिया, एक नई सीट को ऐड किया, ठीक है, उस सीट में पेस्ट कर दिया। अब यहाँ प्रॉब्लम आ गई, सीट फोर डॉट सिलेक्ट, अब जब भी सीट ऐड होगी तो उसका नाम सीट फोर थोड़ी होगा, नहीं, लेकिन आप देख सकते हो कि हम पेस्ट करने के लिए सीट फोर का इस्तेमाल नहीं किया, हमने क्या किया था, एक्टिव सीट का इस्तेमाल किया था। तो जब पेस्ट करने के लिए एक्टिव सीट हो सकता है तो नेम चेंज करने के लिए भी एक्टिव सीट हो सकता है ना क्या? पहले तो सीट एक्टिव करेंगे उसके बाद फिर उसका नहीं करने की जरूरत है, क्योंकि जब सीट ऐड हुआ ना सर तभी एक्टिव हो गया, तो ऑलरेडी एक्टिव हो गया जी सर, और उसी एक्टिव सीट पे हमने पेस्ट कर दिया और फिर हमने यहाँ पे जो सीट का नेम था उसको एक्टिव सीट कर दिया ताकि उसको रिनेम कर देगा अमर। अब कट कॉपी फॉल्स क्या होता है, जब कॉपी करके एस्केप प्रेस करते हैं ना तो घूम रहा होता है, बंद हो जाता है, वो आपका होता है कट कॉपी मोड। अब यहाँ पे देखिए अमर डॉट मूव कर रहा है ना सर, तो अब जब एक्टिव सीट डॉट नेम करके अमर लिख सकते हैं तो अमर एक्टिव सीट डॉट मूव क्यों नहीं कर सकते, समझे? तो जहां पे अमर वाला पार्ट है वहां हम एक्टिव सीट कर देते हैं, क्योंकि अभी जो मेरा काम हो रहा है एक्टिवेट सीट पे हो रहा है ना, अभी दूसरे सीट पे तो जंप किया नहीं मैंने अभी तक, क्या सर? दूसरे सीट पे जाएंगे तो सीट एक्टिवेट करने का होगा ना। हाँ। जैसे यहाँ पे देखिए ना सीट डेटा डॉट सिलेक्ट दिख रहा है आपको, जब डेटा सीट पे गया है तो यहाँ पे दिया हुआ है कोड, अब यहाँ पे एक्टिव वर्क मूव कर दिया, एक नई फाइल में आ गया एक्टिव वर्क डॉट सेव एज और इस नाम से हमने सेव कर दिया, ठीक है, ओके। फिर वर्कबुक को मैंने एक्टिव वर्कबुक को क्लोज कर दिया है, डेटा डेटा को सिलेक्ट डेटा शीट पे गए हैं, A1 पे सिलेक्ट करे हैं और फिल्टर को हटा दिए, तो अभी आपका जो माइक्रो है परफेक्टली रन करेगा, लेकिन एक ही नाम अमर का बनाएगा। आपको दूसरा चाहिए होगा तो कोड के अंदर जाके जहां जहां अमर है वहां वहां आपको क्या करना होगा, नेम चेंज करना होगा। तो आपके पास VVA में एक कोड होता है जैसे कि A इक्वल टू या फिर N इक्वल टू हमने कर दिया इनपुट बॉक्स और यहां पे हमने डाल दिया कि एंटर नेम। तो अब N क्या है, देखिए N जो है टेम्पररी लोकेशन, इनपुट बॉक्स क्या करेगा आपको पॉपअप देगा, उसमें जो नाम एंट्री करेंगे वो N के ऊपर स्टोर हो जाएगा। जैसे मैथमेटिक्स में आप लोग करते हैं ना x इक्वल टू 100 और जहां जहां 100 की जरूरत पड़ती है वहां वहां क्या ले लेते हो, x ले लेते हो, x। हाँ सर, सेम थिंग, अब मुझे जहां जहां नेम चाहिए वहां वहां क्या ले लेंगे, n, समझ गए? तो यहां n चाहिए थी, यहां n चाहिए थी, अब यहां भी n है तो मैं अमर का जगह पे n कर दूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी। क्यों गड़बड़ होगी? वो तो फाइल की नेम,
तो नेम तो अमर ही चाहिए ना, तो एन से तो उठा लेना चाहिए इसको, क्योंकि यहाँ उठा रहा है, यहाँ उठा रहा है, यहाँ भी उठाना चाहिए ना, क्योंकि लेकिन ये तो शीट की नेम है ना, इन्वर्टेड कॉमा में है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे एक्सेल पे इक्वल इन्वर्टेड कॉमा में A1 लिख देंगे तो क्या A1 का डेटा शो करेगा आपको? नहीं करेगा ना, ये तो स्ट्रिंग हो गई ना। हाँ स्ट्रिंग हो गया, तो यहाँ पे वेरिएबल रखने के लिए हमें दोनों को तोड़ना होगा और तोड़ के फिर जोड़ना होगा, और जोड़ने के लिए जैसी सी बात है हम एंड का यूज करते ही हैं, क्या एक्सेल में यूज करते हैं, यूज करेंगे। यस सर, कॉनकैटिनेट जो बोलते हैं ना, कॉनकैटिनेट। अब आपका फाइल परफेक्टली वर्क करेगा, तो वर्क करेगा तो चलिए इसको रन करके देख लेते हैं। यहाँ तो माइक्रोज पे गए, ठीक है, माइक्रो टू है, यहाँ पे हमने रन किया, रन करती पॉपअप मांगा एंटर नेम, तो ये जो हमने कोड दिया हुआ है इसका आ रहा है। तो नेम में मान लीजिए मैंने डाल दिया पूजा, क्या डाल दिया पूजा, अब जो पूजा है ना एन पे स्टोर हो जाएगा और जहां जहां मुझे जरूरत है वहां वहां एन आ जाएगा, और ये हमारा बन गया। आप देखेंगे जाके लोकेशन में तो पूजा नाम का फाइल दिख रहा है, दिख रहा है ना। अब माइक्रो हमने बना लिया तो उसको रन कैसे करेंगे, तो रन करने के दो तीन तरीके हैं। पहला तरीका है कि आप माइक्रोज में जाके यहां से रन कर दे, दूसरा तरीका है कि ऑप्शन पे जाके शॉर्टकट बना ले, ठीक है। देखो मैंने यहां पे लिख दिया, और मान लीजिए मैंने यहां पे लिख दिया कंट्रोल शिफ्ट डब्लू, डब्लू शिफ्ट के साथ डब्लू लिख दिया, कंट्रोल शिफ्ट डब्लू, तो कंट्रोल शिफ्ट डब्लू प्रेस करते ही मेरा माइक्रो टू रन हो जाएगा। या फिर आप यहां पे बटन चाहते हैं तो इंसर्ट के अंदर ही ये बटन है फॉर्म कंट्रोल, एक्टिव कंट्रोल नहीं मिल लीजिएगा, फॉर्म कंट्रोल, फॉर्म कंट्रोल लीजिए, इस पर क्लिक कीजिए, क्लिक करते ही आपसे पूछेगा माइक्रो नेम, असाइन माइक्रो, हमने माइक्रो टू को असाइन कर दिया, और फिर बटन के जगह पे हम कर देंगे रन, क्या कर दिए रन कर दिए। फिर उसके बाद आप चाहते हैं नहीं नहीं मुझे एक अपना शेप चाहिए, आइकन चाहिए, फोटो चाहिए, समझे, जैसे मैंने अपना एक बना लिया, यहाँ पे दे दिया गेट डेटा, गेट डेटा नाम दे दिया, ठीक है। मैं चाहता हूं जब मैं इस पे क्लिक करूं तब मेरा मैक्रो रन होना चाहिए, तो कुछ मत कीजिए, इस पे किसी भी पिक्चर्स के ऊपर या शेप्स के ऊपर राइट क्लिक करें और चले जाए कहां पे, असाइन मैक्रो, मैक्रो को सिलेक्ट करें, एन ओके। अब मैं इस पे क्लिक करूं या इस पे क्लिक करूं या शॉर्टकट प्रेस करूं, मेरा मैक्रो रन हो जाएगा। तो आज की क्लास में आपने दो चीजें सीखी, पहली चीजें सीखी कि रिकॉर्डिंग मैक्रो को करने के बाद, रिकॉर्ड करने के बाद किस तरह से एडिट करेंगे, और कोड को समझने की कोशिश की, हालांकि थोड़ा सा डिफिकल्ट है समझना, फिर भी आप कोशिश करेंगे तो समझेंगे, लेकिन मेरा मोटिव बताने का ये था कि आफ्टर द क्लास भी हम कर सकते हैं। अब इस कोड को इस मेथड को यूज करने से फायदा क्या हुआ कि अगर नहीं रिकॉर्ड करते तो सारा कोडिंग मुझे करना पड़ता। तो आपको ज्यादा कोड करना पड़ेगा, ज्यादा टाइम लगेगा। तो जैसे हम लोग क्या करते हैं कि हम देख लेते हैं क्या करना है, उसी हिसाब से करते हैं, कोड बनते जाता है, फिर उस कोड के अंदर जो चेंजिंग है जिससे मेरा डायनेमिक हो जाए, जैसे कि देखिए मैंने A1 कर दिया, चेंज हो जाए, हमने सीट नेम को एक्टिव सीट से कर दिया ताकि वो डायनेमिक हो जाए, कर दिया ना, नेम को ऑटोमेट कर दिया, तो सब चीजें कर देते हैं जिससे हमारा माइक्रो परफेक्टली वर्क हो जाता है, समझ गए, इसका इस्तेमाल कर सकते। दूसरा आपने सीखा कि माइक्रो को रन करने के क्या क्या तरीके हैं। हाँ, कल से जो है आपका हम कोड कंसेप्ट शुरू करेंगे, कोड कंसेप्ट हम कल से शुरू करेंगे, ठीक है सर। चलिए तो इसकी अच्छी से प्रैक्टिस कीजिए, फिर अगली क्लास में हम आपके साथ बात करते हैं, ठीक। थैंक यू सर।